के स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला एनवेलप, दूसरा कैप्सिड और तीसरा न्यूक्लियाइड यानी न्यूक्लिक एसिड। तो पहला एनवेलप जो कि अधिकतर वायरस में पाया जाता है, और दूसरा कैप्सिड, और तीसरा है न्यूक्लिक एसिड। इनवेलप जो होती है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है इसको हम बोलते हैं पेप्लोमर। पेप्लोमर ठीक है, यानी कि एनवेलप की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है, पेप्लोमर्स। अब देखिए एनवेलप जो है हर्ब्स वायरस में पाया जाता है, HIV में पाया जाता है। अब जिसमें एनवेलप नहीं होता है ऐसे वायरस को हम नेकेड वायरस कहते हैं, जिसमें एनवेलप एब्सेंट होता है उसको हम नेकेड वायरस कहते हैं। अब देखिए कैप्सिड जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है कैप्सोमियर होती है। अब न्यूक्लिक एसिड के रूप में वायरस में या तो DNA होगा या तो RNA होगा, दोनों एक साथ नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो DNA या तो होगा या तो RNA होगा। अब कुछ DNA वायरस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब DNA डबल स्टैंडर्ड DNA हो सकता है यानी डबल स्टैंडर्ड DNA, या कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। ठीक है, तो हम लोग डबल स्टैंडर्ड DNA के बारे में कुछ वायरस का एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे पहला हो गया पॉक्स वायरस, चेचक का वायरस जो होता है उसको पॉक्स वायरस कहते हैं। कॉलीफ्लावर वायरस, ठीक है, कॉलीफ्लावर, इसका पूरा नाम है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, मोज़ेक वायरस। अब सिंगल स्टैंडर्ड DNA के बारे में भी ले लेते हैं, ऐसे वायरस जिसमें सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है, बहुत रेयर होते हैं ये। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है 5174, ठीक, या EM13, ठीक है, कोलीफेज भी होता है उसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है। ठीक है, तो आमतौर से DNA वाले वायरस जो होते हैं वो एनिमल पे अटैक करते हैं, और जो RNA वाले वायरस होते हैं वो प्लांट पे अटैक करते हैं। तो इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA वाला वायरस हो सकता है, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें डबल स्टैंडर्ड वायरस भी होते हैं, डबल स्टैंडर्ड RNA भी होता है। जैसे इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA में TMV वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, फुट एंड माउथ वायरस हो गया, FMV फुट एंड माउथ वायरस, सबसे स्मॉलेस्ट वायरस होता है ये, ठीक है, फुट एंड माउथ वायरस। ठीक है, और रेट्रो वायरस हो गया, रेट्रो जैसे जिसमें आपका HIV आ जाता है, HIV का वायरस, ठीक है, रेट्रो वायरस हुआ। अब देखिए जो COVID-19 का वायरस है, COVID-19 वो भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA का वायरस है। ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। डबल स्टैंडर्ड इसका एग्जाम्पल हो गया, पहला तो हो गया आपका रियो वायरस, ठीक है, और ऑउंड ट्यूमर वायरस, ठीक है। अब देखिए अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वायरस का रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब ये लिविंग होस्ट में इंटर कर जाती है। ये होस्ट के बाहर एक क्रिस्टल के फॉर्म में पड़ी रहती है, निर्जीव पड़ी रहती है, लेकिन जब ये होस्ट के अंदर जाती है, होस्ट सेल में इंटर करती है, तो होस्ट सेल की सारे प्रणाली पर वो कब्जा कर लेती है और रिप्लिकेशन करना शुरू कर देती है। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है जिसको बोलते हैं फाजिक, मतलब सेल के अंदर इंटर करना और सेल को डिस्ट्रॉय कर देना। दूसरा होता है पिनोसेटिक, ये भी सेल के अंदर इंटर करती है, एक अलग तरह के मैटर से इंटर करती है। ठीक है, फाजिक रिप्रोडक्शन जो होता है PHAGIC, इसमें क्या होता है कि ये भी दो तरह से हो सकता है।
पहला तो हो गया लाइटिक साइकिल, लाइटिक साइकिल, ठीक है, और दूसरा हो गया लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में सेल को डिस्ट्रॉय करके वायरस फ्री हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में उसके सेल के या होस्ट के डीएनए के साथ इंटरग्रेट कर जाता है और उसी के अंदर वो पड़ा रहता है, और कुछ समय के बाद ये फिर से लाइटिक में बदल जाता है, ठीक है। तो इसको लाइटिक साइकिल, क्योंकि ये सेल को तोड़ देता है, नष्ट कर देता है, इसलिए इसको वायरुलेंट फेज भी कहते हैं, वायरुलेंट फेज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है T4 बैक्टीरिया, T4 बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। अब लाइसोजेनिक में देख लीजिए, लाइसोजेनिक में जो होता है वो इसके अंदर सेल के अंदर पड़ा रहता है उसके डीएनए के साथ इंटीग्रेट करके, और इसको टेम्परेट फेज भी कहते हैं, टेम्परेट फेज, ठीक है। जैसा कि अब आप इस फिगर्स में देख लीजिए कि इसके अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक। डिटेल तो आपको 12 की क्लास में पढ़ना है। और इसका एग्जाम्पल है लैम्डा फाज, लैम्डा फाज। अब देखिए पिनोसिटिक में क्या होता है कि इसमें पूरा का पूरा जो है वायरस सेल के अंदर इंटर कर जाता है, जबकि इन दोनों में क्या था कि वायरस केवल अपना जेनेटिक मटेरियल ही इंटर कराता था। पिनोसिटिक में पूरा का पूरा वायरस ही सेल के अंदर इंटर कर जाता है, ठीक है। होल सेल इन होल वायरस पार्टिकल इंटर इनटू द सेल। इसका एग्जांपल हो गया TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक। और HIV, TMV किसने खोजा था, आयनोवस्की ने। और HIV भी इसी तरह से इंटर करता है, जो हेपेटाइटिस का वायरस होता है वो भी इसी तरह से इंटर करता है, हेपेटाइटिस बी का वायरस, मतलब पूरी पूरी सेल के अंदर ये इंटर कर जाते हैं, ठीक। जबकि इसमें क्या, फैजिक में क्या होता है, केवल अपना जेनेटिक मटेरियल को ही होस्ट सेल में इंटर कराते हैं।